Dear students, today we are going to learn one grammar topic. One and more than one. It means ek aur ek se zyada. A noun can refer to one or more than one person, animal, place or thing. Noun, jo noun hai wo ek se ज्यादा, एक या फिर एक से ज्यादा पर्सन, एनिमल, प्लेस या कोई भी चीज उसको रिफर करता है. अ नाउन दैट नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन. मतलब कि अगर नाउन है वो सिर्फ एक ही हो, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, कोई भी हो, सिर्फ एक है तो हम उसको कहेंगे सिंगुलर नाउन. इन दिस पिक्चर जैसे कि पर्सन तो एक ही है, एनिमल एक है, प्लेस एक है और थिंग मतलब कि चीज वो भी एक ही है ना, सो इट्स कॉल्ड सिंगुलर नाउन. मोर एग्जांपल, बॉय, फ्लावर. A noun that names more than one person, animals, place, thing is called plural noun. अगर एक से ज्यादा हो तो हम कहेंगे plural noun. जैसे कि person, animal, place, things, कोई भी नाम एक से ज्यादा है तो हम उसको singular noun कहेंगे. We will see more examples. Boys, cats, flowers. अगर animal, place, things एक ही हो तो हम क्या कहेंगे singular noun, but एक से ज्यादा हो तो हम कहेंगे plural. Okay? कोई भी noun को अगर हमें plural में convert करना है, plural बनाना है, तो हम क्या करेंगे एस या ई एस लिखेंगे, बट कहाँ पर? नाउन के एंड में. बट एस कब आएगा और ई एस कब आएगा वो हम देखेंगे. एड ई एस टू नाउन्स दैट एंड इन सी एच, एस एच, ओ, एस, डबल एस, एक्स एंड जेड टू गेट देयर प्लूरल फॉर्म्स. मीन्स कि जो भी नाउन्स के एंड में, लास्ट में आपको सी एच, एस एच, ओ, डबल एस, एस, एक्स एंड जेड दिया हो वहाँ पर हम लिखेंगे ई एस. यू कैन अंडरस्टैंड विथ मोर एग्जाम्पल. ऑस्ट्रीच, सीन दिस पिक्चर. पिक्चर में वन साइड ऑस्ट्रीच दिया है और सेकेंड साइड दो ऑस्ट्रीच है, सो वी कैन से दैट ऑस्ट्रीच. एंड वन मोर थिंग, ऑस्ट्रीच का जो स्पेलिंग है, ऑस्ट्रीच नाउन है, उसके लास्ट में क्या है? सी एच. सो वी विल राइट ई एस. हम क्या लिखेंगे? ई एस. तो क्या बन जाएगा? प्लूरल. डिश, डिशेस, एस एच आया इसीलिए हम ई एस लगाएंगे. मैंगो, मैंगोस, क्योंकि लास्ट में क्या है? ओ, इसलिए ई एस लगेगा. बस, बसेस. प्रिंसेस, प्रिंसेसेस. फॉक्स, फॉक्सेस. समटाइम्स सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ टेक ओनली एस इन इट्स प्लूरल फॉर्म. देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसकी एंडिंग है वो ओ से होती हो, तो उसके पीछे हम एस लगाएंगे तो भी वो प्लूरल बन जाएगा. जैसे कि पियानो, पियानोस. द नाउन्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट. देखो, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एंड में कॉन्सोनेंट हो
बट साथ में वाई हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो और एंड में वाई हो, तो उनका अगर हमें प्लूरल करना हो तो हम क्या करेंगे, बाई चेंजिंग द वाई टू आई, हम जो वाई लिखा है उसका आई कर देंगे और फिर ई एस लगाएंगे। बट ये ध्यान रखना है कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ओके, वी विल सी मोर एग्जाम्पल। सिटी, देखो लास्ट में वाई है इसीलिए हमने क्या किया, वाई को हटाकर आई ई एस। बट आई ई एस क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट में वाई तो है इसलिए हमने वाई को हटा दिया। बट वाई के पहले टी है और टी जो है वो है कॉन्सोनेंट, सो हम सिटी का प्लूरल फॉर्म क्या लिखेंगे, सिटीज। कंट्री, कंट्रीज, वाई का आई ई एस और उस वाई के पहले क्या है, आर, तो आर जो है वो कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट इज मंकी, तो मंकी का हम प्लूरल फॉर्म क्या लिखेंगे, मंकीज, एंड स्पेलिंग इज एम ओ एन के आई ई एस। नो, इट्स रॉन्ग। क्यों, बिकॉज जो मंकी का स्पेलिंग है, मंकी का जो वर्ड है उसमें वाई तो है बट वाई के पहले क्या है, वाई के बिफोर ई है, एंड ई इज कॉन्सोनेंट, नो ई है वो वोवेल है, तो हम आई ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे, वेरी गुड, हम लगाएंगे सिर्फ एस, तो स्पेलिंग होगी एम ओ एन के ई वाई एस, मंकीज। की, कीस, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। देखो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल और सिंगुलर दोनों में सेम ही होता है, मीन्स नाउन्स दैट डू नॉट फॉर्म प्लूरल्स इन द यूजुअल वे, शीप, हेयर, डियर, बेसन, तो ये जो नाउन है उसका हम प्लूरल फॉर्म्स नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो वर्ड्स है वो ही प्लूरल है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो इरेग्युलर होते हैं, जैसे कि ऑक्स, तो ऑक्सन, जिसमें एस ई एस आई ई एस ऐसा कुछ नहीं लिखता है। मैन, मैन, टूथ, टीथ। दिशा इज गोइंग टू द मार्केट विथ हर मदर, लुक एट हर शॉपिंग लिस्ट। देखो दिशा है वो अपनी मम्मा के साथ मार्केट में गई थी और यहाँ पर उसकी शॉपिंग लिस्ट है, चलो हम देखते हैं कि उसने क्या क्या खरीदा। 3 apples, 4 spoons, 6 knives, 5 tomatoes, 3 toothbrushes, 4 bananas, 6 onions एंड 3 pencils। देखो इतनी सारी चीज़ें उसने खरीदी है। When we want to talk about more than one thing, we add s or es the naming word. 1 apple, 3 apples। देखो जब भी हमें सिंगुलर नाउन को अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो जो नेमिंग वर्ड है उसमें क्या लगेगा, एस और ई एस। अब फर्स्ट वन देखते हैं, 1 apple, अगर एक ही एप्पल है तो हम उसको 1 apple, एन एप्पल ऐसा बोल सकते हैं, बट एप्पल एक से ज़्यादा हो सो वी कैन से दैट 3 apples लास्ट में एस या ई एस लगेगा। और आगे हमने देखा कि कहाँ पर ई एस लगता है, 1 toothbrush, अगर टूथब्रश एक है तो हम अ टूथब्रश या 1 toothbrush कहेंगे, बट एक से ज़्यादा है सो क्या कहेंगे, 3 toothbrushes। और इसके पीछे देखो एंड में क्या लगा, ई एस, क्यों, बिकॉज जो नेमिंग वर्ड नाउन है वो एंड में क्या है, एस एच, इसीलिए हम ई एस लगाकर उसको प्लूरल बनाएंगे। 1 spoon,
4 स्पून्स, 1 टोमेटो, 5 टोमेटोस। देखो लास्ट में अगर ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, एस हो, तो हम क्या लगाएंगे, ई एस। वेन वर्ड्स एंड इन एफ और एफ ई, द वर्ड चेंजेस इट्स स्पेलिंग, वी राइट इट लाइक दिस। लेट्स सी, वर्ड के एंड में जो वर्ड दिया है, नाउन है, उसके एंड में अगर एफ या एफ ई हो तो जो पूरा स्पेलिंग है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, हम देखते हैं। अगर लास्ट में एफ हो तो हम उसको निकाल कर वी लगाएंगे प्लस ई एस, जैसे कि नाइफ। तो नाइफ है, उसके लास्ट में क्या आया, एफ ई। तो एफ ई को निकाल कर हम उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी प्लस ई एस लगाएंगे, नाइव्स। इफ अ वर्ड एंड्स इन वाई, वी ड्रॉप द वाई एंड एड आई ई एस। अगर जो वर्ड है उसके एंड में वाई दिया है तो वाई को हटाकर हमें क्या करना है, आई ई एस लगाना है। बट वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हमें y को हटाना है, बट y के पहले कॉन्सोनेंट नहीं बट वोवेल हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ s लगाना है, y को हटाना नहीं है। चेरी प्लस ies, y को हटाकर चेरीज कर देंगे। सिटी, सिटीज, अंडरस्टूड। एक्सरसाइज, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ आइटम्स इन द पिक्चर। देखो पिक्चर्स में आपको एक डाइनिंग टेबल दिया है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको उसको काउंट करना है और देन राइट मतलब कि यहाँ पर लिखना है। ओके, टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है कि कितनी चीज़ें हैं। फर्स्ट, 1 बॉक्स ऑफ चेरीज। सेकेंड, 5 कप्स, 4 प्लेट्स, 4 स्पून्स, 4 फॉक्स, 4 नाइव्स, 12 ग्लासेस, अ लॉफ ऑफ ब्रेड, 2 बॉटल्स, 2 ऑरेंजेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द पोएम एंड से वेदर द आर वन और मोर देन वन। 2 लिटिल सिस्टर्स वेंट वॉकिंग वन डे। सिस्टर्स प्लूरल है, सो एम ओ, मोर देन वन। डे वन, सो वी विल राइट ओ। Party for exercise, partly for play. They took with them kites. Kites is plural, more than one. So we will write M-O. Which they wanted to fly. One a big diamond. Diamond is singular noun. Matlab ki one. So we will write O. One a great butterfly. Butterfly is singular noun, so we will write O. Butterfly सिर्फ एक ही है। Then up in a moment the kites floated high. Kites more than one. Like birds, birds is also plural. So we will write MO, more than one. They seem to touch the sky. Sky, sky भी एक ही है, so we will write O. Next is C. Change the words in bold to mean one of something. देखो इसमें आपको क्या दिया है, plurals दिए हैं और singular में convert करना है। First one, जो red color का है, words, red words है, वो सब आपको singular में convert करने हैं। The kittens ran towards the gate. Kittens, एस निकाल देंगे तो क्या होगा, किटन। किटन एक है, किटन्स बहुत सारे हैं। थीव्स,
थीव्स का सिंगुलर होगा थीव। बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज का सिंगुलर फॉर्म होगा बटरफ्लाई। जो आई ई एस है उसको निकाल कर क्या लिखा, वाई। पपीज, सिंगुलर नाउन है पपी, उसमें भी आई ई एस निकाल कर वाई लिखा। टॉयज, टॉयज का टॉय हुआ। बॉक्सेस, बॉक्स। स्कूल्स, स्कूल। सिटीज, सिटी, उसमें भी वाई को हमने क्या कर दिया था, आई ई एस। प्लूरल में हम आई ई एस लगाएंगे, बट अगर सिंगुलर करना हो तो हम क्या करेंगे, आई ई एस को निकाल कर वाई लिखेंगे। एक्सरसाइज डी है, चेंज द वर्ड्स इनटू बोल्ड टू मीन मोर देन वन। देखो इसके अंदर जो बोल्ड वर्ड से, रेड वर्ड से, उसको आपको क्या करना है, प्लूरल में कन्वर्ट करना है। ओके तो ये आपको अपने आप करना है। आंसर्स आर गिवन, बट फिर भी आप अपने आप करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा और कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा।